देश में बढ़ते कोरोना वायरस के कारण देश भर में लॉकडाउन लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को पूर्ण रूप से बंद करने को लेकर आदेश जारी हो चुका है। वहीं देश भर में होने वाली बोर्ड परीक्षा पर बड़ा संकट आ गया है और सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। बढ़ते कोरोना की लहर और क्षेत्रीय छुट्टियों के कारण देश भर के कई राज्यों और शहरों में स्कूलों को बंद करने की घोषणा कर दी गई है। कोरोना के मामले मिलने के कारण आज से लखनऊ के स्कूल बंद है। बताया जा रहा है स्कूल के मामले जिस तरह से मिल रहे हैं, ऐसे में लॉकडाउन लगाना एकमात्र विकल्प है। कोरोना के मामले मिलने के कारण देश भर के सभी स्कूल और कॉलेज को पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। मामले ज्यादा मिलने से लगता है इस बार आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा रद्द हो सकती है, क्योंकि स्कूल व कॉलेज बंद हो चुके हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षा रद्द जरूर होगी। बताया जा रहा है इस साल होने वाली बोर्ड परीक्षा में सभी छात्रों को बिना किसी परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। वहीं भारत समेत चीन में कोरोना के मामलों ने हाहाकार मचा दिया है। कोरोना वायरस के लाखों मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में चीन में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। ऐसे में अब भारत पर बहुत बड़ा संकट आ गया है। देश के कई बड़े अधिकारियों ने कोरोना पर मीटिंग की और आदेश भी जारी कर दिया कि सभी छात्रों को बिना किसी परीक्षा के पास किया जाए। कोरोना का नया वेरिएंट आखिर कितना खतरनाक है, यह सवाल है। पिछले कुछ दिनों से यह देखा जा रहा है कि चीन में कोरोना कोहराम मचाया हुआ है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगाने की जरूरत है? भारत में कोरोना की नई लहर का खतरा मंडरा रहा है। ताजा हालात देखें तो अभी कुछ केस ही सामने आ रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इस नए साल के आते आते कोरोना की लहर आ सकती है। अब चीन ही नहीं, जापान और अमेरिका समेत कई देशों में कोरोना लोगों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं भारत में कोरोना को लेकर हालात सामान्य बने हुए हैं। हालांकि इससे लड़ने के लिए हर राज्य को अलर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मंगलवार को पूरे देश में कोरोना से लड़ने की तैयारियों को देखने के लिए कर मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। चीन में बिगड़ते हालात पर भारत सरकार ने अपनी पैनी नजर बना के रखी हुई है। नए साल के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर लोगों से मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की अपील के इस बीच चीन से आगरा पहुंचे एक शख्स में संक्रमण की पुष्टि से खलबली मच गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी रैंडम सैंपलिंग कई यात्रियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।